Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. So in today's lecture video, we are going to continue the series of Agriculture at a Glance book by Akhil Sharma. And in today's video, we are going to discuss the topic Seed Science and Plant Biotechnology. So this is very important for all competitive agriculture based exams. So we start this session, but before that, make sure you have subscribed this channel by pressing the bell icon. Start about the seed science. So here first question is, a fertilized ovule consisting of intact embryo, stored food and seed coat, which is viable and has got the capacity to germinate, that is called seed. इस डेफिनेशन में सीड की डेफिनेशन बताई गई है, यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट था, यानी जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स जो होते हैं जिसमें एम्ब्रियो इंटैक्ट रहता है प्लस फूल भी स्टोर रहता है, ठीक है, और उसमें सीड कोट जिसको हम टेस्टा बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होती है, और उसमें कैपेसिटी होती है कि वो जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट फॉर्म करे, उस चीज़ को दैट इज़ नोन एज सीड. तो ये सीड की डेफिनेशन है. इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल अगर लिखा होता तब भी हम सीड ही आंसर देते. और अगर यहाँ पे ओवरी की बात करें तो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है, तो फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम फ्रूट बोलते हैं और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सीड ऑफ अ क्रॉप वेराइटी प्रोड्यूस बाय अ ब्रीडर विच इज स्मॉल इन क्वान्टिटी इज सेड टू बी न्यूक्लियस सीड. यानी जो सीड्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो ब्रीडर एक पर्सन होता है, ठीक है. प्लांट ब्रीडिंग में जो हम साइंटिस्ट होते हैं, दे आर नोन एज ब्रीडर्स. तो जब ब्रीडर्स किसी क्रॉप वेराइटीज को प्रोड्यूस करता है, दैट इज उस उनके सीड्स को हम न्यूक्लियस सीड्स बोलते हैं. एंड द सोर्स ऑफ ब्रीडर सीड इज, ब्रीडर सीड्स का जो सोर्स होता है दैट इज न्यूक्लियस सीड्स. अब ब्रीडर सीड्स से जो प्रोजनी बनती है वो क्या बनती है, तो यहाँ पर प्रोजनी याद रखनी, डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है सीड्स का. सबसे पहले हमारे आते हैं ब्रीडर सीड्स, ठीक है. ब्रीडर सीड्स से पहले हमारे न्यूक्लियस सीड्स होते हैं, न्यूक्लियस सीड्स के बाद हमारे बने ब्रीडर सीड्स. ब्रीडर सीड्स की जो प्रोजनी होती हैं दैट कॉल फाउंडेशन सीड, दैट कॉल फाउंडेशन सीड. और इनके जो टैग कलर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ब्रीडर सीड्स की बात करें तो ब्रीडर सीड्स का जो टैग कलर होता है वो कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन येल्लो. और ब्रीडर सीड्स की जो प्रोजनी बनती है उसको हम फाउंडेशन सीड बोलते हैं. फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर होता है इट इज़ वाइट. नेक्स्ट इज, ओके, ये टैग कलर की बारे में बात करी गई है. जो ब्रीडर सीड्स का टैग कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन होता है. एंड द सीड प्रोड्यूस बाय एनएससी का मतलब होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन. तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा जो सीड्स बनते हैं दे आर नोन एज फाउंडेशन सीड्स. तो अभी हमने देखा पहले न्यूक्लियस सीड्स होते हैं, फिर ब्रीडर सीड्स आते हैं, फिर ब्रीडर सीड्स की प्रोजनी होती है हमारी फाउंडेशन सीड. और एक्चुअल में जो फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस होता है ये होता है एनएससी के द्वारा, यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है. और उसका टैग कलर कैसा होता है, फाउंडेशन सीड का टैग कलर होता है वाइट. नेक्स्ट इज द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड. तो फाउंडेशन सीड हमें क्लियर हो गया, ब्रीडर सीड्स की जो प्रोजनी है वो फाउंडेशन सीड कहलाती है, इसका टैग कलर वाइट होता है. अभी रजिस्टर्ड सीड्स भी होते हैं, ठीक है. फाउंडेशन सीड्स की तरह ही हमारे रजिस्टर्ड सीड्स होते हैं, बट इंडिया में जो रजिस्टर्ड सीड्स हैं वो ज़्यादा फेमस नहीं है. ये फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाए जाते हैं. इंडिया में रजिस्टर्ड सीड्स का कुछ यूज़ नहीं होता. वैसे अगर फॉर इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो रजिस्टर्ड सीड्स जो होते हैं इनको जो टैग कलर होता है इट इज़ पर्पल. इनका टैग कलर पर्पल होता है, ठीक है. बट हमारे इंडिया में फाउंडेशन सीड्स चलते हैं जिनका टैग कलर वाइट होता है. अब फाउंडेशन सीड की प्रोजनी से क्या बनते हैं, दैट इज सर्टिफाइड सीड्स. तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो न्यूक्लियर सीड्स आते हैं, फिर ब्रीडर सीड्स आते हैं. ब्रीडर सीड्स की प्रोजनी को हम फाउंडेशन बोलते हैं. फाउंडेशन सीड्स से बनते हैं हमारे सर्टिफाइड सीड लास्ट में जाके. और ये जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं एक्चुअल में फार्मर्स जो यूज़ करते हैं वो इसी यही वाले सीड होते हैं, सर्टिफाइड सीड्स. और सर्टिफाइड सीड्स कौन प्रोड्यूस करता है, सर्टिफाइड सीड इज जनरली प्रोड्यूस बाय एसएससी, दैट इज स्टेट सीड कॉरपोरेशन. और उनका टैग कलर कैसा होता है, सर्टिफाइड का टैग कलर होता है ब्लू, एज और ब्लू कलर इसका होता है. नेक्स्ट वन इज द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम द सीड एम्ब्रियो अंडर फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट. तो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. मीन्स जब कोई भी सीडलिंग से कोई प्लांट कोई भी सीड के अंदर जो एम्ब्रियोज होता है, यू ऑल नो देयर टू पार्ट्स, रेडिकल, प्रीम्यूल, ठीक है.
तो जर्मिनेशन यही होता है, ठीक है। जो सीड एम्ब्रियो होता है, जैसे वो इमर्ज होता है, डेवलप होता है सीडलिंग की फॉर्म में, दैट इज़ नोन एज जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन पढ़ लिया है, उसके बाद हम देखेंगे जर्मिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, हाइपोजियल एंड एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें तो उसके एग्जाम्पल होते हैं सीरियल्स, ग्राम्स, अरहर और लेंटल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एपिजियल जर्मिनेशन की, तो एपिजियल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल हैं हमारे मस्टर्ड, सनफ्लावर, कैस्टर और अनियन। अब ये जर्मिनेशन होता क्या है, एक बार हम इसकी तरफ देख लेते हैं कि हाइपोजियल और एपिजियल में जर्मिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो दो तरह के जर्मिनेशंस होते हैं। हाइपोजियल की अगर हम बात करें तो हाइपो का मतलब होता है ब्लो, ओके। हाइपो का मतलब होता है बिलो यानी नीचे, यहाँ पे बिलो याद रखना। और एपिजियल में एपी का मतलब होता है अबव, ठीक है, अबव। अब ये बिलो और अबव हम किसको लेके बात कर रहे हैं, ये हम बात करते हैं पोजिशन ऑफ कॉटिलेडनरी नोड्स या फिर सिंपली कॉटिलेडन्स, ठीक है। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलेडन्स की पोजिशन होती है वो सॉइल के नीचे होती है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, बिलो। तो कॉटिलेडन्स जनरली सॉइल के नीचे पाए जाते हैं। और एपिजियल जर्मिनेशन के केस में क्या होता है कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन हाइपोजियल एंड एपिजियल जर्मिनेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाइपोजियल में हमारे जितने भी जनरली जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, एक्सेप्शंस भी हैं लेकिन ज़्यादातर मोनोकॉट्स जो होते हैं वो सब हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स में हमारे कौन आ गए, जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, बाले, ओट, दे ऑल आर सीरियल्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं उन सब में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। उसके अलावा कुछ पल्सेस हैं जैसे अरहर, ग्राम, लेंटिल, इनमें भी हाइपोजियल जर्मिनेशन देखा जाता है। एपिजियल जर्मिनेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनमें हमारा एपिजियल जर्मिनेशन होता है। मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स में एपिजियल होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे मस्टर्ड, सनफ्लावर, कैस्टर, ऑनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेराइटल प्योरिटी इज चेक बाय। तो वेराइटल प्योरिटी को चेक करने के लिए हम क्या कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ द ग्रो आउट टेस्ट, GOT। ग्रो आउट टेस्ट बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारा जो सीड लॉट होता है उस सीड लॉट में जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करना होता है। तो जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन के लिए हम एक ग्रो आउट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड इज कॉल्ड। सीड में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ लाइक उसमें अगर कोई भी सीड के अलावा कोई भी अदर मटीरियल है, लाइक हमारा सपोज इंडस्ट्री में जो आयरन यूज़ होते हैं, आयरन नेल्स पाए जाते हैं, वो अगर आ जाते हैं, या फिर कोई सीड के अलावा कोई वीड्स आ गए, या कोई अलग से पार्टिकल्स आ गए, डस्ट पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, एनीथिंग, कोई भी सीड से हट के कुछ अलग मटेरियल हमको दिखाई देगा, दैट इज़ कंसिडर्ड इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी के परसेंटेज को हम बोलते हैं डोकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ रियल सीड, रियल वैल्यू ऑफ सीड। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉर्मूला इज प्योरिटी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू 100। तो सीड की जो रियल वैल्यू होती है उसमें हम प्योरिटी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल का तो उसमें हमको यहाँ पे प्योरिटी परसेंटेज दिया होगा, जर्मिनेशन परसेंटेज दिया होगा, उसके हिसाब से हमको रियल वैल्यू ऑफ सीड कैलकुलेट करना होगा। या फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हो सकता है, ये रियल वैल्यू हमको पता हो, हमको प्योरिटी परसेंटेज भी पता हो और हमको जर्मिनेशन परसेंटेज फाइंड करने को बोलेगा, तो हम सब चीज़ अवेलेबल हैं, कोई एक चीज़ मिसिंग होगी तो हम ऑफकोर्स इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द कैपेसिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट। सीड में जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी होती है दैट इज़ नोन एज सीड वायबिलिटी, या फिर सीड विगोर भी इसको बोलते हैं, दैट इज सीड वायबिलिटी एंड सीड विगोर, सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड वायबिलिटी इज मोस्टली टेस्टेड बाय द यूज़ ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सीड में जो वायबिलिटी होती है एकदम से उसको इमिडिएटली हम कौन से टेस्ट कंडक्ट करके इजिली पता लगा सकते हैं, तो सीड वायबिलिटी के लिए बहुत फेमस है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। इसका जो फुल नाम है, दैट इज़ फुल नेम इज 235 ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है। ये बेसिकली क्लोराइड है, तो आप समझ जाना चाहिए कि एक क्लोराइड का मतलब ये एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है।
सॉल्ट है ये एक तरह का। अब इसमें होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं टेट्रोजोलियम टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेट्रोजोलियम क्लोराइड टेस्ट की, तो सबसे पहले इसको जो डिस्कवर करा था, इसको इसकी डिस्कवरी हुई थी जर्मनी में, ध्यान रखना है जर्मनी में इसको डिस्कवर करा था, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज लेकॉन, ठीक है, जॉर्ज लेकॉन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1940s के टाइम पे टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट को डिस्कवर करा था। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, ये एक तरह का सॉल्ट होता है, ये हम क्या करते हैं, हमारे जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर हम ये डाल देते हैं, ये और बेसिकली जो क्लोराइड टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्ट होता है वो कलरलेस होता है, दिखाई देता है, जैसे पानी होता है ना कलरलेस, उस टाइप का ही होता है, कलरलेस होता है और पानी में इजली सॉल्युबल होता है। ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली डिटेक्ट करता है कि कौन से सीड्स लाइव हैं और कौन से सीड डेड हैं, उन पे उन चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं कौन से सीड्स लाइव हैं और कौन से सीड डेड हैं। और ये पता करने के लिए हम ये टेस्ट में क्या होता है कि सिंपली जो रिस्पायरेशन एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि जिसमें जितना ज़्यादा रिस्पायरेशन एंजाइम होगा वो टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस होने के कारण इसका जो कलर था, पहले कलरलेस था, रिड्यूस होने के कारण इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा देखा जाता है कि जो टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं, एटलीस्ट एक दिन का टेस्ट होता है ये, ठीक है, 24 आवर्स इसमें लग जाते हैं। और होता क्या है कि जब टेट्राजोलियम जो टेस्ट होता है वो जब लाइव सीड के संग एक्ट करता है तो लाइव सीड में इसका कलर आता है रेड। रेड कलर जो होता है इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माजोन, फॉर्माजोन कंपाउंड बन जाता है, फॉर्माजोन रेड कलर का होता है और इनसॉल्युबल होता है, तो जिसके कारण सीड्स में अच्छे से रेड कलर अच्छे से इंटैक्ट रहता है। तो जितने भी लाइव सीड्स होते हैं जो कि वाइबल होते हैं उनमें रेड कलर आ जाएगा, और जितने भी हमारे डेड सीड्स होते हैं वो अनकलर रहेंगे, उनमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो अनस्टेन रहेंगे, उनके ऊपर कोई स्टेन नहीं आएगा, और जो लाइव सीड्स होते हैं उनके ऊपर रेड कलर का स्टेन आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल टेस्ट होता है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। और ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है कहाँ से डिस्कवर हुआ है, जर्मनी के साइंटिस्ट थे जॉर्ज लेकॉन, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ प्योर लाइव सीड। प्योर लाइव सीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अब ऊपर जो हमने पढ़ा था जो फॉर्मूला, दैट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ सीड, सीड की जो रियल वैल्यू होती है वो उसकी प्योरिटी परसेंट और जर्मिनेशन परसेंटेज पे निर्भर करती है। लेकिन जो प्योर लाइव सीड्स होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्योरिटी परसेंटेज को वाइबिलिटी परसेंटेज के संग मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमको मिल जाएगा हमारा प्योर लाइव सीड का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम टू मेंटेन द आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, आइसोलेशन लॉकडाउन के बाद सबको पता लग गया है आइसोलेशन का मतलब है दूरी बना के रहना, ठीक है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस ज़रूरी क्यों होता है, टू अवॉइड द कंटामिनेशन। आप ह्यूमंस में भी देख सकते हैं, जब हम कोरोना के टाइम पे आइसोलेशन में थे, क्वारंटीन में थे, तो हम एक दूसरे से आइसोलेट थे, दूर थे, इसलिए दूर थे ताकि हमको इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो, हम कंटामिनेट ना हो जाएँ। तो दैट इज़ वाई प्लांट्स में केस में भी अगर हम आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा मेन एम वहाँ पे भी सेम यही होता है कि कंटामिनेशन या क्रॉस पोलेशन के चांसेस ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अब अलग अलग क्रॉप्स का आइसोलेशन डिस्टेंस वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि उनका जर्मिनेशन कैसा है, सेल्फ है या क्रॉस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, दैट क्वेश्चन इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप। जितने में सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप्स हैं, जैसे राइस है, वीट है, ये सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप्स हैं। सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप्स में देखो आइसोलेशन डिस्टेंस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, बिकॉज क्योंकि इनमें क्रॉस पोलिनेशन हो नहीं रहा, और आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करने का मेन कारण यह है कि क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करना, क्रॉस पोलिनेशन होगा नहीं तो कंटामिनेशन भी नहीं होगा। अब ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो इनमें तो वैसे ही क्रॉस पोलिनेशन ना के बराबर होता है, तो इसलिए हम इनमें डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बहुत कम होता है, दैट इज़ ओनली 3 मीटर। अगर बात करते हैं हम क्रॉस पोलिनेटेड की, तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, अबाउट 100-200 meters का पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड मेज सीड। सर्टिफाइड मेज सीड, तो मेज कैसा क्रॉप है, ये मेज जो है ये सेल्फ पॉइंटेड नहीं है, ये क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप है। यू ऑल नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो मेज होता है उसमें प्रोटो एंड्री होती है, ठीक है, यानी एक ही पेड़ में मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल पार्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड टेसल, वो पहले मेच्योर हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे डाइकोगैमी हो जाती है, मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है। तो दैट इज़ वाई मेज जो है हमारा क्रॉस पॉलिटेड क्रॉप्स है, इसका आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो 200 मीटर मेंटेन रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड पिजन पी, अरहर की बात हो रही है, पिजन पी यानी अरहर। तो पिजन पी जो होती है, रेड ग्राम भी बोलते हैं इसको, ये भी हमारी जो है ये हमारी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में आती है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का मतलब होता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा और कुछ हद तक यानी अबाउट 5% अप टू 30% तक यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी शो होता है। तो ये इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, और इस केस में पिजन पी केस में जो हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस होता है इट इज़ अबाउट 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सनफ्लावर इज, तो सर्टिफाइड सनफ्लावर का होता है 500, दैट इज 500 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ 1000 सीड्स इज नोन एज, 1000 बीज का जब हम वजन लेंगे उसको हम क्या वो क्या कहलाता है, दैट इज़ टेस्ट वेट। और जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारे सीड्स कैसे होते हैं बहुत ज़्यादा साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो लाइक जैसे फॉर एग्जांपल राइस वीट, इनके साइज़ बहुत छोटा और सीड्स होते हैं, तो इस केस में हम 1000 सीड्स का वेट काउंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट वेट। और अगर हम 100 बीज का वज़न लेंगे तो वेट ऑफ 100 सीड इज, 100 बीज का जो वज़न होगा उसको बोलेंगे सीड इंडेक्स। जनरली हम इसका लेते हैं जो इनका सीड साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है, बोल्ड सीड्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेज, चिकपी, ठीक है, तो इन सब के सीड्स बोल्ड होते हैं, तो इस केस में हम 100 सीड का वेट लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सीड इंडेक्स। और छोटे सीड्स में हम 1000 सीड्स का वेट लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सीड, और 1000 का वेट लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड टेस्टिंग रिफर्स टू, सीड टेस्टिंग में क्या क्या आता है, टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी, जेनेटिकली वो प्योर है या नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स की कितने सीड्स में कितने लॉट है कि जो जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सीड मॉइस्चर एस्टिमेशन, सीड में जो मॉइस्चर है उसको एस्टिमेट करने के लिए जो मेथड है यूज़ हम करते हैं, दैट इज़ ओवन ड्राई मेथड, ठीक है, हम सीड लॉट का पहले वेट लेंगे, उसके बाद उसको ओवन ड्राई करने के बाद उसका वेट कैलकुलेट करेंगे और दोनों वैल्यूज़ को आपस में फॉर्मूले में रख के सॉल्व करके हमें पता लग जाएगा कि कितना मॉइस्चर उसमें रहता है। तो ओवन ड्राई मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ मॉइस्चर इन केस ऑफ सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइस वराइटी विच हैज़ नो सीड डोमेंसी, तो धान की कौन सी वराइटी जिसमें कोई सीड डोमेंसी नहीं रहती है, दैट इज IR50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द डोमेंसी ड्यू टू द हार्ड सीड कोट और इम्परमीबल सीड कोट इज, तो सीड कोट में जो डोरमेंसी आ जाती है, अगर डोरमेंसी के भी अलग अलग रीज़न होते हैं, लेकिन अगर डोरमेंसी का रीज़न ये है कि सीड कोट बहुत हार्ड है या इम्परमीबल है, इम्परमीबल का मतलब उसमें से वाटर आर पार नहीं होगा, वाटर डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा, तो अगर सीड में डोरमेंसी इस कारण से है कि सीड कोट बहुत हार्ड है, इम्परमीबल है, इस कारण को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्कैरिफिकेशन, ये मैकेनिकल कॉज है, ठीक है, सीड कोट बहुत मजबूत है, हार्ड है, टूट नहीं रहा है, तो मैकेनिकल रीज़न की वजह से डोरमेंसी आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्केरिफिकेशन। लेकिन अगर सीड डोरमेंसी इस कारण से है कि टेम्परेचर बहुत लो है या मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर नहीं है, तो इस वक्त इस कारण से जो सीड डोरमेंसी मेंटेन है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। अब कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या प्लांट हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी को इनिशिएट करता है, तो सीड डोरमेंसी इनिशिएट करने के लिए होता है जिब्रेलिक एसिड, दैट इज़ इसको हम GA3 बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, GA3 जिब्रेलिक एसिड। तो सीड्स डोरमेंसी को ब्रेक करना या सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, दैट इज जिब्रेलिक एसिड। अभी हमने देखा सीड डोरमेंसी किस कारण से हो सकती है और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डोरमेंसी ब्रेक करना या फिर कह सकते हैं सीड जर्मिनेशन को शुरू करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीड डोमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज ब्रोकन बाय ट्रीटिंग द ट्यूबर्स, यू ऑल नो हम पोटैटो में जो खाते हैं एडिबल पार्ट इज नोन एज ट्यूबर, जो कि एक मॉडिफाइड स्टैम होता है, और अगर पोटैटो ट्यूबर्स में डोमेंसी आ जाती है तो उसको सही करने के लिए हम उसको ट्रीट कर सकते हैं 1% थायो यूरिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन इज टू एग्जामाइन, फील्ड इंस्पेक्शन में हम क्या चीज़ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट इज़ द डिसीज इंसिडेंस, ठीक है, देन आइसोलेशन डिस्टेंस एंड ऑफ टाइप्स। ऑफ टाइप का मतलब है कि हमारा जो मेन क्रॉप है उसके अलावा कोई दूसरा क्रॉप या दूसरी वैरायटी तो ग्रो नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम वीट की बात कर रहे हैं तो वीट में अगर हमने पूरे फील्ड में कल्याण सोना वैरायटी ग्रो करी है तो फील्ड में थ्रू आउट कल्याण सोना ही होना चाहिए,
राइस की कोई दूसरी वैरायटी, या फिर कल वीट की ही कोई दूसरी सोनाली का वैरायटी तो नहीं है, सिर्फ कल्याण सोना ही है, तो ये हमारा ऑफ टाइप कंसिडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड प्रोसेसिंग इज टर्म्ड एज, तो सीड प्रोसेसिंग को नाम दिया गया है ग्रेडिंग। अब लास्ट के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईयर से रिलेटेड है, उनको ऐसा आपको याद रखना है, रट लेना है। पहला क्वेश्चन है कि NSC, दैट इज़ अभी जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, क्या करती है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, किस तरह के सीड्स को प्रोड्यूस करती है, तो ये आपको याद होगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन प्रोड्यूस करती है हमारी फाउंडेशन सीड्स को, ठीक है। फाउंडेशन सीड का रंग कैसा था, टैग कलर की अगर बात करें तो फाउंडेशन सीड्स का टैग कलर होता है वाइट, सफ़ेद रंग का उनका टैग होता है। तो जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन थी, अब ये इसको रजिस्टर्ड कब हुई थी, इन द ईयर 1963, ध्यान रखना है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963, इसी के 3 साल बाद यानी 1966 में क्या बना था, हमारा सीड एक्ट पास हो रहा था। तो सीड एक्ट पास हुआ था 1966 में, कुछ साल आगे चल के 1968 में सीड रूल पास हुआ। सीड एक्ट 1966 है, सीड रूल 1968 है, और लास्ट में आपको याद रखना है नेशनल सीड प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, तो नेशनल सीड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1988। ओके, तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं थ्रू आउट हमने क्या पढ़ा है अभी सीड साइंस के बारे में। तो सबसे पहले हमने सीड का डेफिनेशन देखा, जर्मिनेशन क्या होता है, कुछ फॉर्मुलेज हमने देखे, लाइक रियल वैल्यू ऑफ सीड का फॉर्मूला, प्योर लाइफ सीड का फॉर्मूला देखा। सीड की वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या टेस्ट यूज़ करते हैं, दैट इज टेट्राजोलियम टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें रेड कलर आ गया वो हमारे सीड अच्छे क्वालिटी के हैं, लाइव हैं, जिनमें कोई कलर नहीं आया वो हमारे बेकार होते हैं। जर्मिनेशन में हमने दो टाइप्स देखे, हाइपोजियल एपीजियल। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ हमने डिफरेंट टाइप की सीड्स क्लास देखी, लाइक न्यूक्लियर सीड्स, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड तैयार होता है, फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड तैयार होता है, और जो हमारे फार्मर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड्स को प्रोड्यूस कर रहा है SSC स्टेट सीड कॉरपोरेशन ने, ठीक है। तो अभी तक हमने जो करा दैट इज़ अवर कम्स अंडर सीड साइंस। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, दैट इज़ अप्लाइड यूज़ ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो मॉलिकुलर बायोलॉजी होती है उसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के संग अप्लाई करके, मतलब मिक्स करके उसको जो ज्वाइन करके अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। और देखा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कोई भी सपोज फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है या फंगस है, कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसका जो प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल होता है, फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया ने कोई एसिड सिंथेसाइज करा है, ठीक है, कोई एसिड बनाया है वो हमारे लिए यूज़फुल है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई प्लांट का प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है, कोई एंजाइम है पर्टिकुलरली, इस तरह की चीज़ों को अगर हमें मास प्रोडक्शन करना होता है तो इन दैट केस वी यूज़ द बायोटेक्नोलॉजी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बायोटेक्नोलॉजी कॉइंड बाय, बायोटेक्नोलॉजी टर्म इज कॉइंड बाय कार्ल इरिकी इन द ईयर 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्लेस इन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इन कंडीशन विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट इज नोन एज। मीन्स अगर हमें किसी फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट के कल्चर को हमें लेना है, अब उस पर्टिकुलर प्लांट कल्चर को या सेल को हमें लार्ज अमाउंट मल्टीप्लाई करना होता है, और वो हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम, उसको एक प्रॉपर मीडियम में रख के, या फिर बोल सकते हैं कि उस मीडियम में उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करके हम उसको उस आर्टिफिशियल कंडीशन में, इन्वायरमेंट में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर, और सिंपली वी कैन से इन विट्रो कल्चर। अब दो टर्म होते हैं, एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वाइबो, दोनों ही हमारे लैटिन वर्ड्स होते हैं, इनका जो रूट वर्ड है दैट इज़ लैटिन, और इनका मतलब क्या होता है, इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशंस में, यानी इन विट्रो का वैसे इन जनरल का मीनिंग होता है विद इन द ग्लास। तो लैब्स में हम क्या करते हैं, हमारा जो टेस्ट ट्यूब होता है ना ग्लास का बना होता है, तो हम टेस्ट ट्यूब में कल्चर करते हैं, तो दैट इज़ विद इन द ग्लास जो हम कल्चर करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड इज़ इन विट्रो कल्चर। और इन वीवो मतलब होता है विद इन द लिविंग, तो जब हम किसी लिविंग टिश्यूज़ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं विदाउट लैब कंडीशन, नेचुरल कंडीशन में रखे, तो वो इन वीवो होता है, और इन विट्रो मीन्स जनरली लैब्स में, लैब से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट और अ प्लांट पार्ट एक्साइज्ड फॉर द इन विट्रो कल्टिवेशन।
मतलब कि इन विट्रो कल्टीवेशन, यानी जो मैंने आपको बताया कि लैब्स में सपोज हम टेस्ट ट्यूब में किसी प्लांट का कल्चर कर रहे हैं, तो जब हम टेस्ट ट्यूब में किसी प्लांट का कल्चर कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा प्लांट नहीं लेते हैं वहाँ पर, हम प्लांट का एक पार्ट लेते हैं। सपोज प्लांट का एक हमने सीड ले लिया या उसका एक लीफ ले ली, तो प्लांट का जो हम पार्ट लेते हैं कल्टीवेट करने के लिए, इन विट्रो कल्टीवेशन के लिए, दैट इज़ उस पार्ट को, उस वाले हिस्से को हमने नाम दिया है कि इस जो हिस्सा होता है दैट इज़ नोन एज एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट क्या होता है, ये हमारे प्लांट का वो पोर्शन या वो हिस्सा होता है जिसको हम इन विट्रो कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका ऑफ अ स्पेसिफिक जीन और एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी स्पेसिफिक जीन या एंटायर ऑर्गेनिज्म का जो पूरा एग्जैक्ट जीन या रेप्लिका होता है दैट इज़ नोन एज क्लोन, जो कि जेनेटिकली एकदम सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल यूज्ड न्यूट्रिएंट मीडिया इन टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में बहुत कॉमनली जनरल यूज़ होने वाला न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा है, दैट इज़ एमएस मीडियम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एमएस मीडिया की, एक्चुअली में एमएस मीडिया क्या होता है। तो एमएस मीडिया जो होता है, इसमें सबसे पहले हमें फुल फॉर्म देखनी होगी कि एमएस मीडिया जो है वो क्या है। वैसे हम एमएस मीडिया को B5 मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है, B5 मीडियम अलग होता है, वैसे B5 मीडियम भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है वो MS मीडियम ज़्यादा देखा गया है। वैसे दोनों होते हैं, B5 मीडियम एंड MS मीडियम, और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो होता है दैट इज़ MS मीडियम। MS मीडियम का मतलब क्या है, इस सबसे पहले तो हमें MS का मतलब पता होना चाहिए, MS स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम एम से स्टार्ट था और एक का नाम एस से स्टार्ट था, उन दोनों ने मिलकर MS मीडियम तैयार करा था, और उन दो साइंटिस्ट का नाम है मुराशीज एंड स्कॉग, ठीक है। तो मुराशीज एंड स्कॉग दे बोथ वर डेवलप्ड MS मीडिया इन द ईयर 1962। तो 1962 के दौरान मुराशीज और स्कॉग ने MS मीडिया तैयार कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये मीडिया होते हैं जिसमें मोस्टली मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं, और उस मीडियम में हम किसी भी कल्चर को रख के प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कल्चर ऑफ आइसोलेटेड मेच्योर और इमेच्योर एम्ब्रियोज। तो जब हम एम्ब्रियोज को लेके कल्चर करते हैं दैट इज़, उस कल्चर को हम जब कल्चर परफॉर्म करते हैं दैट इज़ नोन एज मेरिस्टेमेटिक कल्चर, ओके। और मेरिस्टेमेटिक कल्चर की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक कल्चर में क्या होता है, सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइड करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग एम्ब्रियो इज रिमूव फ्रॉम द डेवलपिंग सीड एंड प्लांटेड इन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम इन विट्रो इज कॉल्ड व्हाट। तो जब हम किसी सीड में से उसके यंग एम्ब्रियो को निकाल के उस यंग एम्ब्रियो को हम एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करेंगे उसका, दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियो कल्चर। अनदर क्वेश्चन इज, एंथ्रोपोलन कल्चर टेक्निक यूज टू ऑब्टेन। तो एंथ्रोपोलन कल्चर में हम क्या करते हैं, जब किसी भी प्लांट्स के फ्लावर्स के जब हम पोलन ले लेते हैं या एंथर ले लेंगे, उसको जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज पोलन कल्चर या एंथर कल्चर। और इससे हमें क्या मिलता है, वी ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट्स, बिकॉज जो पोलन्स होते हैं अगर हम इनकी प्लॉइडी लेवल देखें तो पोलन का जो लेवल होता है दैट इज़ हैप्लॉइड, ठीक है। तो पोलन एंथर जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, तो इसी से हमको हैप्लॉइड प्लांट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर ऑफ एन ऑर्गन इन विट्रो, जब हम किसी ऑर्गन का कल्चर करते हैं दैट इज़ रिफर्ड एज ऑर्गन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेट सिंगल सेल टू मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएट इनटू मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक छोटे से सेल की जो कैपेसिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई कर करके एक दिन पूरा का पूरा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म या फिर वी कैन से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इस क्षमता को, कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ टोटिपोटेंसी। रिमेंबर दिस, टोटिपोटेंसी में होता क्या है कि जो टोटिपोटेंसी होता है उसमें एक छोटा सा, हमने बोला ना एक्स प्लांट लेते हैं कल्चर करने के लिए, सपोज हमें टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं किसी प्लांट का, एक्स प्लांट ले लिया हमने, सपोज एक छोटी सी लीफ ली, अब उस लीव्स को कल्चर करते करते वो मल्टीप्लाई करेगा और एक दिन वो लीव्स जो है उससे कम्प्लीट एक पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये कैपेसिटी जो है दैट इज़ रिफर्ड एज टोटिपोटेंसी। अगर बात करें टोटिपोटेंसी को किसने डेवलप करा, तो साइंटिस्ट थे दैट इज गॉटलिब हैबर्टलैंड। गॉटलिब हैबर्टलैंड साइंटिस्ट ने इस टोटिपोटेंसी को डिस्कवर करा था, और जो गॉटलिब हैबर्टलैंड हैं दे आर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोकेमिकल प्रोसेस और अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब।
इन अ लैब. तो लैब यानी टेस्ट ट्यूब में जो भी प्रोसेस हम करते हैं दैट इज रिफर्ड इन विट्रो. मैंने आपको पहले ही बताया है इन विट्रो एक लैटिन वर्ड है. अगेन याद रिवाइज करते हैं, इन विट्रो और इन वीवो दोनों ही हमारे लैटिन वर्ड होते हैं. इन विट्रो का मतलब है विद इन ग्लास. तो टेस्ट ट्यूब जो है हमारा ग्लास का बना होता है, तो विद इन ग्लास या हम लैब्स में जो परफॉर्म करते हैं दैट इज इन विट्रो. और इन वीवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन. जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म्स को एलील बोला जाता है. नेक्स्ट वन, अ मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए स्पेशली यूजफुल इन प्लांट्स सेल्स. तो जो प्लांट्स सेल्स में हम क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन. नेक्स्ट वन, डीएनए वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज बाय. सबसे पहली बार जो डीएनए सिंथेसाइज करता है दैट वॉज डन बाय कॉरनबर्ग इन द ईयर 1953. तो सबसे पहली बार कॉरनबर्ग ने डीएनए को सिंथेसाइज करा था. नेक्स्ट वन इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड. तो वी ऑल नो जो डीएनए का जो एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है दैट इज नोन एज सिस्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी कंपोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज ऑफ अ सेलुलर मैसेंजर आरएनए. एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए. तो मैसेंजर आरएनए की जो कंपोज्ड कॉपीज होती हैं यानी जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका दैट इज कॉम्प्लीमेंट डीएनए. इसको सी डीएनए बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल विच इनकोड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड करने वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, दैट इज़ डीएनए. ये एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है. फुल फॉर्म है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. एक आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. आरएनए क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल विच हेल्प्स इन डिकोडिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिड बाय डीएनए. डीएनए के अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, देखो एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड डीएनए. और डीएनए के अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी उसको डिकोड करने के लिए जो काम करता है दैट इज आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट वन, अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज फ्रॉम कैलस. तो कैलस से जब सोमैटिक एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस का नाम होता है एम्ब्रियो जेनेसिस. तो एम्ब्रियो जेनेसिस में कैलस डेवलप होगा सोमैटिक एम्ब्रियो में. अब कैलस क्या होता है, अगर हम कैलस की बात करें तो कैलस जो होता है दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स. कैलस का मतलब होता है डी डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल. अब दो चीज़ होती है, एक होता है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स, एक होता है डी डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स. तो डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन में अंतर क्या होता है, होता क्या है जब प्लांट का सेल होता है वो डिवाइड करता रहता है करता रहता है, उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद उसमें डिवीजन बंद हो जाएगा. वो डेवलप हो चुका है मैच्योर हो चुका है, उसमें कोई डिफरेंशिएट मतलब अब किसी तरह का सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा. इस कंडीशन को नाम है होता है यानी इस कंडीशन को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन. इस कंडीशन को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन. यहाँ पे क्या होता है, सेल्स पूरी तरह मैच्योर होते हैं फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे. लेकिन कुछ सेल्स में क्या होता है डी डिफरेंशिएशन देखा जाता है. डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ऐसे डिफरेंशिएटेड सेल्स जो फर्दर डिवाइड करने लगते हैं उनको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. और कैलस एक ऐसा ही तरीके का सेल होता है, कैलस एक डी डिफरेंशिएटेड सेल होता है. इसमें क्या होता है कि सेल्स फर्दर डिवाइड करने लगते हैं और डिवाइड होते होते वो एक सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ऑफ अ प्लांट थ्रू द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स. तो जब हम सोमैटिक सेल्स को फ्यूजन करते हैं दैट इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर. तो डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कोड करेगा दैट इज नोन एज जीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीएनए एलिमेंट विच हैज़ द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन क्रोमोसोमल पोजिशन टू अनदर. तो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की पोजिशन होती है, ठीक है, तो डीएनए एलिमेंट्स में जब क्रोमोसोम अपनी एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे मूव करेगा वो जो जीन्स होंगे मतलब एक्चुअल में डीएनए के अंदर ही जीन्स होते हैं तो उस वाले जीन को हम बोलेंगे जंपिंग जीन्स. जंपिंग का मतलब होता है मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर हैं दैट इज़ पॉल बर्ग. नेक्स्ट वन,
अ बैक्टीरियम यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर पॉल बर्ग हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, दैट इज़ ई कोलाई. नेक्स्ट वन, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर अमाउंट ऑफ लाइसिन इन मेज़. तो मक्का में जो बहुत ज़्यादा, वैसे एज सच जो मेज़ होता है वो प्रोटीन में इनरिच नहीं होता, लेकिन उसमें हम एक जीन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन कंटेंट जो होता है, स्पेशली लाइसिन, लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड्स से ही आगे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है. तो मक्के में जो लाइसिन का कंटेंट है उसको, उसके लिए हम कौन सा जीन उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ ओपैक टू जीन होता है. ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा जो सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ अमीनो एसिड्स में डेफिशिएंट होते हैं. अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, तो मेज़ एक सीरियल क्रॉप है, तो सीरियल क्रॉप जनरली डेफिशिएंट होते हैं लाइसिन, कुछ अमीनो एसिड्स के नाम पता होना चाहिए. सीरियल्स जो होते हैं दे आर डेफिशिएंट इन लाइसिन, ट्रिप्टोफैन. लेकिन अगर हम बात करें पल्सेस की, तो पल्सेस दे आर डेफिशिएंट इन मेथियोनिन अमीनो एसिड, ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीसीआर डिनोट्स. तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए होते हैं हमारे, डीएनए का कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ पे डिज़ायर्ड जीन्स पाए जाते हैं, उन डिज़ायर्ड जीन वाले पोर्शन को अगर हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का. तो इसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा. एम्प्लीफिकेशन का मतलब बहुत सारी कॉपीज़ तैयार हो जाएंगी उतने हिस्से की. नेक्स्ट क्वेश्चन है RFLD डिनोट्स. तो RFLD क्या होता है, जैसे इट इज़ नॉट RFLD, इट इज़ RFLP होता है, RFLP नॉट DP होगा. इसका फुल फॉर्म पूछा गया वैसे ही, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. तो डी नहीं होता, पी होता है, पी स्टैंड्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये होता है क्या, RFLD यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये बेसिकली मॉलिकुलर मार्कर होते हैं, और जो मॉलिकुलर मार्कर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मॉलिकुलर मार्कर होते हैं, तो RFLP इज़ वन ऑफ देम. और मॉलिकुलर मार्कर्स का क्या काम होता है, जो होता है एक्चुअली जो हमारे DNA होते हैं, DNA में जहाँ पॉलीमॉर्फिज्म नोटिस होती है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कि एक जो पर्टिकुलर जो जीन है वो रिपीट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बार अपने आप को शो कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म. तो इस तरह के जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम मॉलिकुलर मार्कर का इस्तेमाल करते हैं. तो RFLP एक मॉलिकुलर मार्कर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है RAPD, ये भी एक मॉलिकुलर मार्कर होता है. RAPD भी एक मॉलिकुलर मार्कर है जो कि DNA में पॉलीमॉर्फिज्म को पता लगाता है. RADP का फुल फॉर्म होता है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड यूजिंग न्यूक्लियोलस ऑफ वन पेरेंट सेल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द बोथ सेल. यानी दो पेरेंट हैं, एक पेरेंट हमारा ये है, एक पेरेंट ये है. एक पेरेंट का जो न्यूक्लियस है, दूसरे पेरेंट का न्यूक्लियस, और जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है. तो जब हम एक पेरेंट का न्यूक्लियस ले लेंगे और दोनों पेरेंट्स के साइटोप्लाज्म को लेंगे उनको फ्यूज़ करेंगे, तो ये हमारे जो प्रोड्यूस होगा दैट इज़ साइब्रिड, उसको हम बोलते हैं साइब्रिड. याद रखना, एक पेरेंट का न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस लेना है, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट्स के इन्वॉल्व करना है. ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट्स का होगा, दोनों सेल्स का होगा, दैट इज़ जो प्रोड्यूस होगा उसको हमने नाम दिया है साइब्रिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिकुलर सीजर्स यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी हमने देखा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कौन सी मॉलिकुलर सीजर यूज़ करते हैं. मॉलिकुलर सीजर्स बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड DNA सीक्वेंस होते हैं उसको वहाँ से कट करने का काम करते हैं. तो जनरली हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप ऑफ जीनोम शोइंग रिलेटिव पोजिशंस ऑफ जीन एंड मार्कर्स ऑन क्रोमोसोम्स. तो जीन्स को लोकेट करना, दैट इज़ नोन एज जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल DNA मोलिक्यूल कंटेंस इंटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इन वीवो, यानी नेचुरल कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, लिविंग विद इन द लिविंग, बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद एसरीज हिस्टोन और हिस्टोन लाइक प्रोटीन. सो हिस्टोन और हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो हिस्टोन होते हैं अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं यही प्रोटीन्स बनते हैं. तो ये एक तरह का बेसिक, क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो जो हिस्टोन है दैट इज़ बेसिक अमीनो एसिड, तो इससे बेसिक प्रोटीन्स बनेंगे. तो जब
हिस्टोन्स और हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे डीएनए को कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट इज नोन एज क्रोमोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस. तो एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज दैट इज जीन क्लोनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन फ्रॉम इट्स डीएनए एंड अ मैसेंजर आरएनए कोडिंग सीक्वेंस दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज डन इन द मशीन एंड द मशीन इज नोन एज थर्मोसाइक्लर. बिकॉज डीएनए एम्प्लीफिकेशन के दौरान बहुत हाई टेम्परेचर यूज होता है, दैट इज थर्मोसाइक्लर मशीन का नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस क्रेग सैमुअल कंसेप्ट दैट इन नेचर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन. यानी जो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कहने का मतलब है कि वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में फ्लो होती है. ये फ्रांसिस क्रिक का जो मॉडल था उसको क्या नाम दिया है, दैट इज सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा में हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है सबसे पहले वो रेप्लिकेट होगा. डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास होगी आरएनए में. और स्पेशली आरएनए के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए. और फिर ये ट्रांसफ़र होगी, बनाएगा प्रोटीन. ठीक है, तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है इसको हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं. और सेंट्रल डॉगमा जो है वो दिया था प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसप्लांटिंग अ सेल टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम वन न्यूट्रन मीडियम टू अनदर. एक न्यूट्रन मीडियम से दूसरे न्यूट्रन मीडियम में अगर हम सेल को ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सब कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बायोटिक प्लांट इज, पहला बायोटिक प्लांट टोबैको है, वी ऑल नो. नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, बीटी जीन वॉज इंट्रोड्यूस इन कॉटन अगेंस्ट. कॉटन में जो बीटी जीन्स होते हैं या जो हम बोलते हैं जो ट्रांसजेनिक कॉटन है वो किस पेस्ट के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस करी गई है, दैट इज कॉटन बॉलवॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजिटेबल क्रॉप अंडर अप्रूवल ऑफ बीटी टेक्नोलॉजी. तो बीटी टेक्नोलॉजी में हाल ही में जो वेजिटेबल अप्रूव हुआ है दैट इज ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी रिसेंटली यूज्ड इन. तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी हाल ही में इस्तेमाल हुई है कॉटन के लिए. अब ये होती क्या टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी पर देख लेते हैं. टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी वैसे बहुत सारी जो हमारी जेनेटिक क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, वहाँ पे आजकल देखने को मिल रहा है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का यूज़. और रिसेंटली कॉटन में इसका यूज़ देखने को मिला है. टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी में होता क्या है, हम हमारे जो प्लांट्स होते हैं हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं. हमारे जो प्लांट होते हैं नॉर्मल ना रह के हम उसको थोड़ा सा जेनेटिकली उनको उनका जेनेटिक मेकअप चेंज करके मॉडिफाई करके उनको प्रोड्यूस करते हैं. और जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं वो प्लांट्स जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उन हार्वेस्ट करने के बाद उनके सीड होंगे वो स्टेराइल हो जाएंगे. स्टेराइल का मतलब समझ रहे हैं, स्टेराइल का मतलब वो मतलब फदर उनको अगर हम बोएंगे सो करेंगे तो वो पैदा नहीं होगी, उनसे कोई पैदावार नहीं होगी, स्टेराइल हो जाएंगे. ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का एक नाम और है, दैट इज सुसाइड सीड्स. सुसाइड सीड्स भी इनको बहुत ज़्यादा इस नाम से भी जाना जाता है, सुसाइड सीड. सुसाइड सीड इसलिए क्योंकि स्टेराइल हैं बीज. जनरली मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं कि वो जिस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं उस क्रॉप की जब वो हार्वेस्टिंग कर लेते थे तो थोड़ा सा सीड जो है अपने लिए बचा के रख देते थे और बाकी जो सीड होते वो मार्केट में सेल आउट कर देते थे. और जो सीड बचा हुआ रहता था उसको क्या करते थे, दोबारा से बोने के लिए यूज़ करते थे. तो इसीलिए क्या कर दिया गया था कि जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी में बोला गया था, ये कहा गया है कि जो अब सीड हैं वो सीड जो होंगे हार्वेस्टिंग के बाद उनमें कोई एबिलिटी नहीं होगी, वो दोबारा से जर्मिनेट हो, वो स्टेराइल होंगे पूरी तरह से और वो दोबारा से जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि उन सीड्स को आप अपने पास सेव नहीं करके नहीं रखेंगे क्योंकि वो दोबारा से वो उनको सो नहीं करेंगे. ठीक है, तो उनको सारा लॉट सेल आउट करना पड़ेगा. तो दैट इज़ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी. अब इस टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी है बिकॉज फार्मर्स के लिए थोड़ा ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन जो हमारी जो कंपनीज हैं सीड कंपनीज हैं उनको तो अपने सीड सेल आउट करना है, उनके लिए एक पॉजिटिव साइड है. लेकिन फार्मर्स जनरली क्या करते हैं, सीड में से कुछ लॉट अपने लिए सेव कर देते हैं और फर्दर वो रीसोइंग के लिए या रीसोइंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे. तो अब सीड हार्वेस्टिंग के टाइम पे स्टेराइल होंगे तो रीसोइंग का पर्पस यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है.
तो ये टर्मिनल टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो ये रिसेंटली कॉटन क्रॉप में यूज़ हुई है। तो वीडियो यहीं एंड होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो।